भारत बनाम श्रीलंका का पहला ओडीआई मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत की पॉसिबल स्क्वाड क्या होने वाली है इस टूर के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्लेइंग 11 बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये टूर पे बहुत सारे प्लेयर्स अब्सेंट रहेंगे, लाइक विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, तो इनको कौन रिप्लेस करेगा प्लेइंग 11 में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के ओपनर्स के बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग टीम इंडिया के ओपनर्स होंगे शिखर धवन, जो प्रोबेबली इस टीम के कैप्टन होंगे, एंड उनके साथ आएंगे पृथ्वी शॉ। देखो, एक और कमाल का ओपनर है भारत के पास, देवदत्त पड़िक्कल। अब पृथ्वी शॉ पड़िक्कल में से आप किसी के साथ जा सकते हो विजय हजारे ट्रॉफी में। दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर रहा था। पड़िक्कल ने आई गेस 4 लगातार सेंचुरीज लगाई थी, वहीं पर एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया था पृथ्वी शॉ ने। तो दोनों प्लेयर्स का सीजन कमाल का गया था। आईपीएल की बात करें तो वो भी दोनों प्लेयर्स का कमाल का गया, तो आप किसी को भी ले सकते हो। बट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है पृथ्वी शॉ के साथ, बिकॉज पड़िक्कल कभी खेले नहीं है, तो इसके कारण मैं पृथ्वी शॉ के साथ जाना चाहूँगा। मिडिल ऑर्डर पर आए तो मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, जो प्रोबेबली इस टीम के वाइस कैप्टन होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे को ऐसा अपडेट आया कि श्रेयस अय्यर शायद इंडिया के प्रोबेबल मतलब इंडिया के स्क्वाड में ना हो, ये जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैचेस होने वाले हैं उसमें। तो अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं संजू सैमसन के साथ जाना चाहूंगा। अगला नाम आता है यहां पे सूर्य कुमार यादव का, नंबर 4 पे नो डाउट। देन हम आते हैं लोअर ऑर्डर पे, तो लोअर ऑर्डर में नंबर 5 पे ईशान किशन, जो इस टीम के विकेट कीपर होंगे। अगर नंबर 3 का बात होता तो मैं संजू के साथ जाता, अगर ईशान और संजू में से अगर किसी एक को लेना होता। लेकिन नंबर 5 का बात है तो फिर मैं ईशान के साथ जाना चाहूंगा। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे कुरुणाल पांड्या, नंबर 8 पे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर दीपक चाहर, नंबर 10 पे टी नटराजन, एंड नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि क्या ईशान किशन के बाद एक और बल्लेबाज नहीं रख सकते हैं, लाइक संजू को रख सकते हैं ईशान के बाद। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो दैट मीन्स आप कुरुणाल को बाहर करोगे। अगर आप कुरुणाल को बाहर करते हो इसका मतलब आपके पास सिर्फ 4 ही गेंदबाज रह जाएंगे, बिकॉज हार्दिक काम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो आप कुरुणाल को खिलाना ही पड़ेगा। आप कह सकते हो मैंडेटरी है कुरुणाल को खिलाना। एंड अगर हार्दिक गेंदबाजी करते हैं देन आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा। एंड बल्लेबाजों की बात करें तो आपके पास 7 तक अच्छी खासी बल्लेबाजी है, बिकॉज कुरुणाल पांड्या बल्लेबाजी कर सकते हैं, हम सभी को पता है, गेंदबाजी भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से तो ये टीम इंडिया का बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 होगा इस मैच के लिए। आपका बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए सुडम बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चलिए कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको, चलिए लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बना सकूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।